हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट वन देख चुके हैं, आज आप लोग दो देखेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है एच डब्ल्यू के रूप में आप लोग को दिया गया था, अगर आप लोग इसका हम बताए थे कि इसका आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, तो कोई कोई विद्यार्थी बताए हैं जो अंत तक देखे होंगे वही बताए होंगे, और जो थोड़ा सा देखे होंगे वो नहीं बताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखें, तभी पूरा वीडियो का मजा आएगा और पूरा मैथ समझ में आएगा। तो सरलीकरण में आज आप लोगों को नया कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसका आंसर बताए थे, इसका आंसर ऐसे 3/8 होगा। तो 3/8 कैसे होता है जिसे आप लोगों को बता रहे थे, जिसे मान लीजिए जिसे गुणनफल करते हैं तो 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, इस प्रकार से अगर सीरियली रूप से हो और अंश में 1-1 हो तो क्या किया जाता है कि इसका गुणनफल किया 2 × 3, और इसका अगर गुणनफल करते हैं तो 7 × 8 सीरियली रूप से होगा तभी होगा, ठीक है। अभी नहीं कोई भी लगाकर आप कर दीजिएगा तो नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि 1/ इधर का छोटा अंक लेंगे और माइनस कर देंगे उधर का बड़ा अंक, ठीक है। और इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, 2 × 4 यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 3/8 इस प्रकार से आंसर हो जाता था। अगर आपको बेसिक तरीके से इसको पूरा विस्तार से बनेगा तो बहुत समय लगता। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल है, कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 999 है इसको हम ए मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोगों को सूत्र पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इसको बना लेंगे। तो चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम करते हैं, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम क्या करेंगे 999 प्लस 998 ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी यानी कि 999 माइनस 998, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 × 8 = 17 के साथ, और यहां पर हो जाएगा 8 × 9 = 18, 1 × 19 = 9, 9 × 18 = 19, ठीक है। और गुना 1 हो जाएगा क्योंकि घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1997 देखिए किसमें है, सी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, आप लोग बनाकर बताइएगा कमेंट में इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला इस प्रकार लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पर आप लोग इसको बनाकर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो फिर उसी प्रकार से बन जाएगा, माइनस बीच में है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे मान लीजिए कि 92 का स्क्वायर करेंगे तो 92 + 18 हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा 92 − 18, ठीक है। जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, और गुना हो जाएगा इसको जब हम हटाएंगे तो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहां पर देखिए 12 में ले आ गया 4 और ये बचा 7, यानी कि 7 × 4 = 7, 4 यानी कि 4 × 7 = 11 और 8 यानी कि 1 0 आ जाएगा तो 81 = 40 हो जाएगा। तो 81 = 40 किसमें है, ऑप्शन ए में है। तो देखिए इसको हमने कैसे किया, जिसे मान लीजिए इसको हमने घटा दिया, इसको गुना कैसे किया, जिसे मान लीजिए कि आपको किसी भी अंक में 11 से गुना करना हो, जिसे मान लीजिए 74 में 11 से गुना करना है, 1 0 है तो 0 तो हम लास्ट में बैठा देंगे, तो जब 74 में 11 से गुना करना है तो देखिए अगर 11 से गुना करना है तब क्या करना है, इसको 2 बार डेढ़िया पर लिख देंगे, जैसे 94 है 74 है और फिर ऐसे 74 है, जैसे डेढ़िया पर लिख दिए इसको जोड़ दीजिए 4 × 7 = 11 और 7 × 5 = 8, और यहां पर जो अपन 0 0 है तो 0 बैठा देंगे, 81 = 40 इस प्रकार से हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर 22 है तो इसको 2 गुना करके डेढ़िया पर लिख देंगे, बस हो जाएगा। इस प्रकार से 100 ट्रिक से इसको हम गुना कर सकते हैं इसे। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2.43 × 2.43 + 2.43 × 7.57 है,
यहाँ पर टू है, प्लस यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ये दोनों का हम स्क्वायर कर लेते हैं और फिर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद प्लस टू ए बी देख लेते हैं। तो देखिए प्लस टू, तो टू हमारा इसमें है और ए भी है और बी भी है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये सेटिंग कर रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिसे मान लीजिए 2.43 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2 × 2.43 और 7.57 और फिर प्लस में 7.57 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2a भी हो गया और ये b स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ही बन जाएगा। तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप लोग जब इसमें समझ जाएंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिखकर बता रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा हम a और प्लस बी का कर देंगे होल स्क्वायर, बस हो गया। होल स्क्वायर जितना होगा उतना हो जाएगा, 7 × 3 = 0, 5 × 4 = 10, 0 × 7 = 10 हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 × 10 = 100, पूरे 100 हो जाएगा। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इसमें कौन आता है, ए हो रहा था और इसमें हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन यहां पर देखिए, दोनों ही कैसे तो स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यहां पर माइनस दिया है तो माइनस टू ए बी यहां पर आना चाहिए। देखिए इसको जांच लेते हैं, माइनस टू ए बी यहां पर होगा कि नहीं होगा। तो मान लीजिए कि माइनस टू हमने कर दिया, माइनस टू ए 6.5 गुना और बी मान लिया 3.5। अब इसको हम गुना करके देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए इसमें हम गुना करते हैं तो 35 × 70 हो जाएगा, 70 यानी कि 7.0 हो जाएगा गुना 6.5, इसमें गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, 46 × 3 = 45, यानी कि 45.5 आ गया बिल्कुल, यानी कि 2 ए भी बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो जाएगा 6.5 − 3.5 का होल स्क्वायर। तो इसको हम घटा लेंगे, 0 हो जाएगा और यहां पर क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर थोड़ा सा पीछे करके देख लेना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं तो आप लोग समझ गए होंगे। उतना तो तेजी से बता नहीं रहे हैं, बहुत आराम आराम से बता रहे हैं आप लोग, बस आते कि सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है, 7वीं क्लास से पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग जरूर याद कर लिए होंगे, अगर याद नहीं किए तो इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सरलीकरण में अलजेब्रा भी आता है। चलिए 6 क्वेश्चन देखिए, इसके बाद भी और क्वेश्चन बताऊंगा, वीडियो को छोड़ मत जाइए। देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, देखिए यहां पर इसको हम लिख कर यहां पर डाल रहे हैं, 64² − 36² = 20 × x। अब यहां पर x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम सूत्र पर बना रहे हैं, तो ए प्लस बी टू ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी हो गया और ये हो गया ए माइनस बी, अब बराबर हो गया 26। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और इसको हम घटा देंगे तो यहां पर 14 में से 6 घट जाएगा तो 8 बचेगा, और यहां पर देखिए 5 में से 2 बचेगा, यानी कि बटा में हो जाएगा 20 = x। 20 × 5 = 100 हो गया, यानी 28 × 5 = 400 यानी कि 140। तो 140 जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो 140 जो है डी ऑप्शन में सही है, ठीक है। तो चलिए आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और इस प्रकार के क्वेश्चन और भी बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहां पर देखिए आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर, ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर, ताकि उस पर हम बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे इस प्रकार से होता है, हम इसको लिख सकते हैं 946² ठीक है, आप प्लस लिख देंगे 157 का स्क्वायर, माइनस प्लस का होता है 2ab, प्लस 2ab
ऐसे होगा 946 अगुना 157 इसी होंगे। फिर इस प्रकार से माइनस में जब होल स्क्वायर है तो इस प्रकार से 946 का स्क्वायर 147 का प्लस का स्क्वायर जब माइनस ये भी हो जाएगा इस प्रकार से। और दोनों में आप देख रहे हैं कि 946 और 157 946 157 है ठीक है। थोड़ा ये लंबा जाएगा, चलिए इधर आपको पूरा विस्तार से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आगे बढ़ गए, फिर यहाँ पर प्लस एक यहाँ पर हो जाएगा 946 का स्क्वायर और प्लस 157 का स्क्वायर और माइनस 2 ए बी यानी कि माइनस टू गुना 946 से गुना 157। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए, मैंने इतना कर दिया। ये दोनों जो है पड़ जाएगा 2ab दोनों खत्म हो जाएगा। अब यहां पर ये जो हुआ आपका 946 और 946 डबल है और ये भी डबल है तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं और इसको पहले हम लिख लेंगे ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 946 का स्क्वायर और प्लस 157 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 × हो जाएगा 946 का स्क्वायर और प्लस 157 का स्क्वायर ठीक है। और यहाँ पर हो गया 946 का स्क्वायर और प्लस 157 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 946 का स्क्वायर और 157 का स्क्वायर ये दोनों दो से गुना है और ये दोनों अलग है ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है पड़ जाएगा ठीक है, तो इतना पड़ेगा तो क्या बचा, दो बचा, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अब देखिए आपको आंसर 2 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें आपको मैं बता रहा हूं इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो फिर ये इतना ही अंक है और इसका भी होल स्क्वायर कीजिएगा तो एक तो माइनस में 2ab तो यही आएगा तो जो माइनस वाला पड़ जाएगा। फिर यहाँ नीचे देख रहे यही चीज दिया हुआ है सेम, तो बिल्कुल यहाँ पर जब ये डबल हो जाएगा यहाँ पर भी 946 है जैसे यहाँ पर 946 है 946 डबल हो गया 2 हो गया ये भी डबल है तो इस प्रकार से 2 वहां पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा अगर आप दिमाग लगाएंगे ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है कैसे बनाएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला एक होता है जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए होता है 4ab, ये 4ab होता है सूत्र ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ab और ab दोनों मतलब सेम है और यहाँ पर भी जो a हमारा है वो a है और यहाँ पर b है ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, 4 से ये दोनों कट जाएगा ठीक है, यानी कि 4ab तो ab हो गया आपका 433 गुना हो जाएगा 322 और यहाँ पर 433 गुना 322 है ये दोनों कट जाएगा तो कट जाएगा 4, बी ऑप्शन सही जाएगा। ये फॉर्मूला होता है आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी को होल स्क्वायर बनाइएगा तो 4ab ही आएगा ठीक है। जैसे इसको हम बनाकर आपको सीध करके बता रहे हैं 4ab आता कैसे, जैसे मान लीजिए कि हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा और माइनस यहाँ पर यहाँ फोर्स आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यहाँ पर हो जाएगा ठीक है। अब देखिए यहां से हमको 4ab लाना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा ठीक है। और यहां पर देखिए प्लस माइनस और ab 2ab क्या हो जाएगा 4ab, तो इस प्रकार से इतना का मान 4ab होता है। तो इस प्रकार से हम लेकर इसको बना सकते हैं। तो चलिए मैं वही करता हूँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, चलिए जय भारत।